मंडली के साथ एक साथ मिल के हम आपके सम्मुख आ सकते हैं और हम विनती और निवेदन हम कर सकते हैं पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। विशेष हम प्रार्थना और निवेदन हम रखते हैं आपकी दासी के लिए, मिसेस सविता तिर्की के लिए पिता। समय वे अस्वस्थ हैं, तकलीफ में हैं, उनके हर एक तकलीफ, उनके हर एक कमजोरी को तू जानता पिता, क्योंकि आप हम सबको बनाने वाला, जीवन देने वाला तू ही एकमात्र परमेश्वर है, जो मैं हर प्रकार की तकलीफों से हमें सुरक्षित प्रदान कर सकते हैं। इसी तहत पिता आपके दासी को हम विशेष रूप से हम आपके हाथ में सौंपते हैं, उनकी तू सुधि ले। और इसी तरह से जितने भी डॉक्टर नर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी देखभाल में आपकी आशीष हो, और जो कुछ भी दवा दे रहे पिता उनकी चंगाई के लिए, उस चंगाई पर आपकी महान आशीष हो। आपके पवित्र और दाहिना हाथ बढ़ाकर उन्हें छुए पिता, ताकि वे चंगे होकर के आपको धन्यवाद दे सके। इसी तरह से जितने भी शरीर में तकलीफ है पिता, उन सारे तकलीफ को तो दूर कर। इसी तरह से मिस्टर तिर्की के साथ भी वही है, जब उनकी देख रेख में है, उनकी देखभाल कर रहे हैं, सब में तो अगुवाई दे, उन्हें भी तो संभाल और उन्हें भी तो ढाढ़स दे, ताकि अपने पत्नी की वो देखभाल हिफाजत कर सके, और उनके जितने भी भाई बहन सब हैं, सबको तो अगुवाई कर, ताकि आपकी अगुवाई के द्वारा पिता उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर सके। हम इसी तरह से मिसेस तिर्की को हम आपके हाथ में सौंपते पिता, उनकी सुधि ले। और हम यहाँ जितने उपस्थित हैं, हम सबों के साथ भी हो, हमें भी तो आत्मिक चंगाई दे, ताकि हम आत्मिक रूप से हम चंगे हो करके आपकी सेवा आराधना हम कर पाएँ। बाकी जीवन सबको हम आपके हाथ में समर्पित करते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद, बैठ जाएंगे। हैप्पी सबत आप सबको। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, फिर से मुझे ये मौका मिला कि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ साझा करूं। जैसा कि हमने शुरू में गीत गाया, जीवन में हमें रोशन बना जग में रोशन बना। आइए हम इससे पहले अपने वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को हम अपने शरीर को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और शब्द दिन के लिए जो तू हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, कि हम तेरे वचन से जब हम सुनते हैं सीखते हैं, तू हमारे अगुवाई कर कि जो वचन बोला जाए प्रभु जी तेरी ओर से हो, और हमारे जीवन के लिए आत्मिक तंदुरुस्ती का कारण बने, कि हम तुझमें बढ़ते जाएं और तेरे नाम काम को, तेरे नाम को रोशन करें, और बहुत सारी आत्माओं के लिए आशीष का कारण बने, और हम तुझमें फलवंत होते हुए तेरे आने की बाट जोत रहे और उस योग बनने सकें। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबकी सहायता कर, मदद कर, मांगता हूँ तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। जैसा कि मैंने कहा, हमें रोशन बना, हम उसके दिया हैं, बत्ती हैं, और हमें प्रभु यीशु का झंडा हमें झुकने नहीं देना है। प्रभु का इस यीशु का झंडा मैं याद कर रहा हूँ, अभी अचानक याद आ गया। हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो हमारी बड़ी लड़की छोटी थी तो स्कूल में सीख रही थी वो गाना वगैरह, तो ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं और वो ज़्यादा बोलती थी, मैंने
छोट बचपन से ये बोलना सीख गई और साफ साफ बोलती थी, तो गाना गाने लगी, प्रभु का झंडा कभी न झुकने पाएगा, वो ट्रेन में जोर जोर से गा रही है। तो एक बार तो लगा कि हम बेटे चुप करो, तो फिर अब लगा कि नहीं, जो कुछ गा रही है वो सही तो गा रही है। तो हमने कहा हमने गाने दिया, बोलते रहे, कुछ देर गाती रही, फिर वो अपने खेलने लगी। तो इस तरह से हमें अपने जीवन के जरिए से मसीह का झंडा को ऊंचा रखना है और परमेश्वर के लोगों को हमें अपने आप कि हम मसीह हैं छिपाना नहीं चाहिए और परमेश्वर की ज्योति को, रोशन को, झंडा को ऊंचा रखना है। जैसे कि हम जानते हैं तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। बाइबल में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो परमेश्वर के वचन को, जो मसीह को ग्रहण किया है, जो परमेश्वर को अपनाया, वो कभी उसके नाम को दबाया नहीं, छुपाया नहीं, और उन्होंने परमेश्वर की ज्योति को बरकरार रखा। जैसा कि हम जानते हैं दानियल की कहानी, दानियल 2 में वो चर्चा दी हुई है। दानियल बाबुल में राजनेता था, जब वो दानियल छोटा था तो वो उसको लेके आए थे, यंग हो गया था, क्योंकि वहाँ पे रह के उन्होंने पढ़ा लिखा कसदियों के बीच में, और वहाँ पे उसने राजा का स्वप्न को जब उसने बताया था, और उसके बाद राजा खुश होकर उसको क्या बना दिया, वहाँ का एक राजनेता, एक उच्च पदाधिकारी बना दिया उसको, और अपने विश्वास यज्ञ सेवा के द्वारा उसने बाबू में लोगों को सिखाया कि उसका परमेश्वर एक है, जीवित परमेश्वर है, ना कि कोई मूर्ति जिसकी वे पूजा करते थे, मगर उस परमेश्वर को जिस परमेश्वर की वो सेवा करते थे, उस यहोवा को, वो जीवित परमेश्वर है। या बाबुल के लोगों को दिखाने के लिए कि परमेश्वर की योजना थी कि बाबुल के राजा के ऊपर एक राजा है, वह परमेश्वर जिसकी इब्री, क्योंकि अब्राहम इब्री था, उसके संतान, उसके वंशज, और वो अब्राहम उस यहोवा की उपासना करता था, इसलिए ये इब्री थे, इब्रानी। परमेश्वर जिसकी इब्री युवक पूजा करते थे, इन युवकों ने परमेश्वर की गौरवंती किया। वे जानते थे कि उन्हें सत्य के सिद्धांतों का पालन करना है, और इसलिए उन्होंने शाही मेज से उस राजा के उस मेज में जहां से वो खाना मिलती थी उसको उन्होंने नहीं खाया था। क्योंकि उन्होंने नकार दिया था। और शाही जो मांस और सुरागार, सुरागार मिल से जहाँ पे मद और सुरा की पेश किया जाता है, उसको उन्होंने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। क्योंकि जब उनको खाने के लिए, जब उनको कितने सालों तक पालन पोषण के लिए राजा ने
क्योंकि ये बहुत जब उनको लेके आए थे तो वो निर्दोष थे, सुंदर थे और सब प्रकार की बुद्धि में तेज थे और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग थे और उन्हें कसदियों के शासक की शास्त्र की भाषा की शिक्षा दी और राजा ने उनको आज्ञा दी थी कि उसके भोजन और पीने के दाख मुदों में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 बरस तक उनका पालन पोषण करते रहे कि ये खा पी के तगड़े हो जाएं और मजबूत हो जाएं। और राजा के सेवकाई में वो के लिए काम करें, लेकिन उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानिय्येल और हनन्याह, मिशाएल और अजरिया नामक यहूदी, ये कौन कौन थे? दानिय्येल का नाम तो उन्होंने बेलतसर रखा था, और हनन्याह का शद्रक और मिशाएल का मेशक और अजरिया का नाम ओबेदनेगो। हम ज़्यादातर शद्रक मेशक ओबेदनेगो को फटाफट याद कर लेते हैं, उस देवी के नाम पे उन्होंने जो नाम रखा था, लेकिन असल नाम क्या था? दानिय्येल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया। और इन्होंने क्या कर लिया था? परंतु दानिय्येल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोज खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर आप पवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। और परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानिय्येल के प्रति कृपा और दया भर दी और वो नहीं खाए। और उनका जो उनके ऊपर जो सुपरवाइजर रखा हुआ था उनको उन्होंने कहा कि हम नहीं खाएंगे, भले वो फिर डर गया कि नहीं ये तो अगर तुम लोग का चेहरा अगर ये इस तरह से अगर कुछ डाउन हो गया और वे दूसरे तगड़े हो गए तो फिर क्या होगा, भले देख ले, परख के देख ले, हमें 10 दिन तो देख ले, हमें फिर बताते हैं। और उसके बाद क्या होता है, 10 दिन के बाद लिखा है कि 1:15 में के 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े, ऐसा लिखा है। अच्छे और चिकने दिखाई पड़े, सुंदर। तब वह मुखिया उनका भोजन उसके पीने के लिए ठहरा हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको क्या दिया? दिया साग पात दिया। और उसके बाद वे 10 गुने निपुण ठहरते थे। और लिखा है कि बुद्धि और हर प्रकार के समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज भर के सब ज्योतिषों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण थे, 10 गुने निपुण ठहरते थे। उनका मूर्तियों का चढ़ाया हुआ मीट मछली और जो भी था शराब वैसे खाने की जरूरत नहीं पड़ी। और वह शिव साग सब्जी परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के आशीष उनके साथ थी और उनसे 10 गुना उससे अच्छे केवल नहीं बनकर उससे 10 गुना अच्छे, और बुद्धि में भी, समझ में भी, ज्ञान में भी। निर्धारित व्यंजन सूची से उनके परहेज से उनके रंग रूप और उन युवाओं के रंग रूप के बीच उन्होंने अपनी भूख संतोष किया, हर तरह से अंतर दिखाया गया, वह उससे ज़्यादा उनसे निपुण है। टिप्पणी करने वाले बहुत लोग थे लेकिन ये युवा छोटी छोटी बातों में भी वफादार थे और शारीरिक बनावट में वे राजा की मेज पर बैठने वाले नौजवान से बहुत आगे थे। उनके साधारण आहार ने उनके दिमाग को स्पष्ट रखा। वे अपने पढ़ाई के लिए बेहतर रूप से तैयार थे क्योंकि उन्होंने कभी भी शानदार भोजन से होने वाली, ज्यादा खाने से क्या होता है, मीट मछली ज्यादा खाने से परेशानी होती है, ज्यादा खाने से फंसता नहीं है, हजम नहीं होता, लेकिन साग पात खाया उन्होंने अच्छी तरह से उनकी हजम हुई और होने वाले उत्पीड़न जो परेशानी थी, जो तकलीफ होती थी, उनका अनुभव उन्होंने नहीं किया। और उनके शरीर में ऐसी सुगठित थे कि जितने भी श्रम के लिए उसके ऊपर भार दिया जाए
और शारीरिक रूप से तैयार थे, क्योंकि वे कभी बीमार नहीं पड़े स्पष्ट दिमाग से वे सोच सकते थे और योग के साथ काम कर सकते थे। परमेश्वर की आज्ञा मानकर वे वही काम कर रहे थे जिससे विचार और स्मृति को शक्ति मिले। परमेश्वर ने दानियल और उनके मित्रों को हनन्याह, मिसाइल और अजरिया बाबुल के बड़े लोग उनके साथ जोड़ा ताकि ये लोग इब्रानियों के धर्म से परिचित हो सके कि वे यहोवा को मानते हैं। वे उस सृष्टिकर्ता की उपासना करते हैं, वे उस उद्धारकर्ता को मानते हैं। हम एडवेंटिस्ट हैं, हम मसीही हैं, और एडवेंटिस्ट हम दावा करते हैं कि और भी जितने मसीही हैं उनसे उनकी सच्चाई से हमारी सच्चाई क्या है, मजबूत है, पोखता है। और दूसरे लोग भले समझौता कर लें, लेकिन बाइबल जो कहता है, जो सिखाता है, हम उसकी उपास उसकी तरह हम चलते हैं, मानते हैं और सिखाते हैं। क्या ऐसे ही है कि हम औरों की तरह हम भी उसी तरह से समझौता करते हैं कि हम अन्य जाति लोगों के पास भी परमेश्वर के, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, हम उसको बताते हैं, हम अपने लोगों के पास बताने से डरते हैं। हम मसीही हो गए हैं, हम मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, जब हमें शिक्षा दी जाती है हम मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, तो हमें उसमें पढ़ते जाना है। और जब हम वहाँ पर हम अपने लोगों के साथ जब हम परमेश्वर के वचन को पेश करते हैं, तो हम थोड़ी सी मीठी मीठी बातें करते हैं, अगले को क्या चोट ना लगे। यहाँ अजरिया, हनन्याह और मिशाएल जब उन्होंने राजा के सामने, उस मूर्ति के सामने जब उन्होंने नहीं झुका, तो राजा का दिमाग बौखला गया, बोला भट्टी को 7 गुना और 30 करो, अभी अगर नहीं करोगे तो इसमें डाल देंगे। राजा डाल दे, हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, अगर नहीं भी बचाएगा तो भी हम वो काम नहीं करेंगे जो राजा कह रहे हैं। और उन्होंने उसके बाद उसको उनको डाल दिया, उस विश्वास में, उस ज्योति को वो चमकाते रहे। और उनके सामने हम जानते हैं कहानी को, उनके साथ और एक जन था, वो कहा था, वो कौन था, वो परमेश्वर का पुत्र। राजा देखता है परमेश्वर का पुत्र, और वो बच गए। बाइबल में लिखा है कि उनके सिर के एक बाल में से भी कोई गंध नहीं आया। ताकि ये लोग इब्रानियों के धर्म से परिचित हो सके और जान सके कि परमेश्वर के सभी राजों का राजों पर शासन करता है, उसी तरह से प्रभु चाहता है कि सेवन डे एडवेंटिस्ट उसके लिए गवाही दे। उन्हें दुनिया में छिपना नहीं है और उन्हें संसार में रहना है, परंतु संसार के होकर नहीं रहना है। हमें अपने व्यवहार के तरीके में दुनिया से अलग होना चाहिए, या दिखना चाहिए कि उनका चरित्र परमेश्वर के ग्रहण योग है। हमारा चरित्र एडवेंटिस्ट होना चाहिए, हमारा बातचीत एडवेंटिस्ट होना चाहिए, हमारा व्यवहार एडवेंटिस्ट होना चाहिए, ताकि दुनिया उस सत्य को देख सके जिस पर ये
ईमानदारी से विश्वास करते हैं, जिस पर हम ईमानदारी से विश्वास करते हैं, और उनके उन्हें उनके व्यवहार में ईमानदार बनाता है, ताकि जिससे जुड़े हुए हैं उसे देख सके कि सत्य के विश्वासी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाते हैं। और यह कि यदि सत्य को ग्रहण किया जाता है तो और उसका पालन किया जाता है तो ग्रहण करने वाले को परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ठहराता है। स्वर्ग राजा के संतान शाही परिवार के सदस्य जीवन के छोटे और बड़े कार्य में विश्वास योग्य सच्चे और कैसे होते हैं, ईमानदार होते हैं। मैं ज्यादा नंबर नहीं लूंगा। एक छोटी सी कहानी है, एक छोटी सी बच्ची की कहानी है, बड़ा सुंदर दिया हुआ है। एदोमी, आरामी लोगों को एदोमी भी कहलाया गया, दूसरा राजा उसका 5 में वो कहानी दिया हुआ है। आराम का राजा का एक सेनापति, उसका नाम था नामान, और लिखा है कि उसने अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, बड़ा था और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसराइल, क्योंकि इसराइली लोग जब वो परमेश्वर के साथ साथ जब ये अपना चाल चलन सही नहीं रखे, उनके साथ परमेश्वर के साथ जब इन्होंने व्यवहार सही नहीं रखा, तो परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर ने कभी कभी उनको परमेश्वर छोड़ता नहीं है, मगर हम परमेश्वर से अपने आप को, जब हम अपने व्यवहार के अनुसार अपने परमेश्वर के आशीष से अपने आप को हटा लेते हैं, तो जो शत्रु है हमारे ऊपर हावी होता है। और यही कारण था कि इसराइलियों को, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ किसी और की उपासना करने लगे, और उन पर उन्होंने, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, और आरामी लोग ने उनको, उन पर इसराइलियों पर विजय हासिल की, लड़ाई किया, जीता, और उसमें से एक लड़की को, छोटी लड़की को बंदी बना के ले आए। यहां लिखा है कि दूसरा राजा 5:2 में आरामी लोग दल बांध कर इसराइल के देश से जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए, और वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी, उस सेनापति की पत्नी को सेवा करती थी। नमान तो बड़ा सूरवीर था, प्रतिष्ठित था, बड़ा आदमी था, लेकिन उसने एक बात की कमी थी, क्या थी, बेचारा कोढ़ ही था, उसको कोढ़ की बीमारी लगी हुई थी, और इसराइलों में तो अगर किसी को कोढ़ हुआ उस समय के जमाने में, जो कोढ़ होता था उसको तो छौनी से अपने जिस पाड़ा में रहते थे, जिस गांव में रहते थे, उस किनारे उनका अलग से उनका झोपड़ी बना के रहते थे, वो उधर ही रहते थे, और वो वहीं पे कोढ़ हो गया, मुझे कोढ़ हो गया, मुझे कोढ़ हो गया, और लोग उसके पास नहीं जाते थे, वो ऐसी घृणित बीमारी उसको लगा हुआ था। ये छोटी सी बच्ची जिसको बंदी बना के लेके आए थे, वो कौन सी बच्ची थी, वो इसराइली बच्ची थी, वो इब्री बच्ची थी, वो बचपन से यहोवा के को जानती थी, सीखी थी, उस माहौल में पली बड़ी थी, ये तो हो सकता था कि हमको बंदी बना, ईश्वर ने छोड़ दिया, हमें ले, हमें उनको बंदी बना के ले गए, हमें किसी के यहाँ, वो कहाँ गुलामी में चलेगी, कैसा है हमारा ईश्वर, हमें तो देखता नहीं है, हमें बचाता नहीं है, ऐसा नहीं। उसने अपना दिया
बरकरार रखी, अपनी ज्योति बरकरार रखी। वो छोटे होने के बावजूद भी उस आरामी राजा का जो सेनापति था, उसके साथ कितने सैनिक थे उसके अंडर में, वो लीड करता था, जिसको चाहता था मार सकता था, चलो तो आओ, चलो गणेश चलो, कमांड करता था, आगे चलो गणेश आगे चलो, लड़ो गणेश लड़, लोग उसके जो सेना थी लड़ते थे। उसके यहाँ वो लड़की थी और वो उसकी पत्नी को बोला कि अच्छा होता कि जो मालिक है ना, क्योंकि उसके स्वामी परेशान थी और उसके बच्ची ने जब देखे कि मेरी मालकिन परेशान है, क्यों है, तो उसने बच्ची के साथ ये नहीं परेशान नहीं हूँ, अरे बताइए ना, तो बोले कि नहीं ना, ऐसा तो सुरवीर तो है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पति को कोढ़ लगा हुआ है। तो वो बच्ची, उसको कोढ़ हुआ है, अरे कोई बात नहीं मैं बताती हूँ। बोले तुम क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ ना। अच्छा होता मेरा मालिक ना, वो शोमरोन में जाके ना, हमारा एक भविष्यवक्ता है, यहोवा का भक्त है, अगर उसके पास जाएगा तो ना, तो वो चंगा हो जाएगा। ये क्या छोटी सी बच्ची क्या बता रही है, नहीं चंगा हो जाएगा, अब बात तो पता कर लो। निश्चय ऐसी बात हुई कि बाइबल में ऐसी बातें नहीं लिखी हुई है, लेकिन उस जब छोटी सी बच्ची कह रही है और उसकी बात को मालकिन ने अपने पति को बताया और पति ने, सेनापति ने राजा को जाके बताया, कितनी बड़ी बात। छोटी सी बच्ची का दिया, उसका प्रकाश, उसकी रोशनी, कितना बड़ा काम किया। और तब लिखा है कि यदि मेरा स्वामी समरोन की भविष्यता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोर से चंगा कर देता। तो लिखा है कि तो नमान ने अपने प्रभु के पास जाकर, अपने राजा मालिक के पास जाकर कहता है, इसराइल की लड़की, छोटी सी बच्ची जो हमारे यहाँ नौकरानी है, वो कहती है कि आराम के राजा ने कहा है तू जा, मैं इसराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। और आराम, वो इस लड़की के इस प्रकार कहती है, तब आराम के राजा ने कहा उसको, ठीक है जाओ जाओ, जैसे वो लड़की कह रही है ना, अगर ये ऐसी बात है, आराम के राजा के दिमाग में भी ये समझ में आ गया कि वहाँ एक भविष्यवक्ता है, वो इसको ठीक कर सकता है। तभी तो एक राजा होने के बाद उस सेनापति को वो परमिशन देता है, रिकमेंडेशन लेटर देता है, ये मैं तुमको लिख के देता हूँ, जा इसराइल के राजा के पास जा, तू जा मैं इसराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। और तब वो चिट्ठी लेके, दल बंद लेके, फिर वो निकलता है। वो अपना जो भी घोड़े वगैरह जो भी है, गधा तैयार करता है, और पता कितना क्या लेके जाता है, 340 किलो चांदी, 10 किकर लिखा है उसका, उसका वजन करीबन 340 किलो चांदी और 6000 टुकड़े, मतलब 70 किलोग्राम सोना और 10 चौड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। पहले तो टेस्ट करता ना, कि छोटी सी बच्ची बोली है तो ऐसे चला जाता, देखते हैं होता है कि नहीं होता है, उनको विश्वास हो गया। वो
और इतना सारा सामान लेके, कपड़े चांदी और सोने, और ये आधा तोला के पांच तोला सोना थोड़ी, 70 किलो सोना और 10 जोड़े कपड़े लेकर रवाना हो गया। और हम जानते हैं वहां जाने के बाद इसराइल का राजा परेशान हो गया, बोलता मैं कोई परमेश्वर हूं क्या, मैं इसको चंगा करूंगा। ये पहले तो एक बार लड़ा और ये बहाना ढूंढ रहा है कि मेरे से लड़ेगा। फिर एलिशा को खबर मिला, एलिशा बोला मुझे भी मेरे पास भेज दे, क्यों चिंता कर रहा। जब वहां पे गया और वो सेनापति दल बांध लेके, इतना सामान वान लेके जब वहां पे गया बड़े शान के साथ, वो सोचा होगा कि मैं सेनापति हूं और मुझे बड़े ये के साथ इज्जत के साथ बाहर निकलेगा और मुझे मेरे साथ मिलेगा और बातचीत होगी और मेरे लिए दुआ करेगा। एलिशा अपने झोपड़ी में था, उसका सेवक गेहजी, गेहजी ने बोला कि कोई तो आया है, खबर मिल गया कि नई सेनापति आया हुआ है अपने दलबंध के साथ और उपहार भी लेके आया है। एलिशा बाहर नहीं आया, बोला जाओ उसको बोल दो जर्दन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगा दे। सेनापति को बड़ा गुस्सा आया, हैं जो वहाँ दमिश्क में इतनी सारी नदियाँ हैं, बड़े बड़े नदियाँ हैं, वहाँ साफ सुथरे नदियाँ हैं, वहाँ पे नहीं हो सकता जर्दन नदी छोटा सा नदी मैला जला गंदा सा। अभी तो कहते हैं कि जर्दन नदी का जो ये एरिया है वो छोटा सा है, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई जो मुझसे छोटे वाला, जब उसकी मिसेस एम्बेसी में करती थी तो ये लोग घूम रहे थे, तो वो जर्दन वगैरह में थे, जब पोस्टिंग हुई थी तो वो जर्दन नदी वगैरह देख के आए थे। तो छोटी सी नाला की तरह है, जैसे झोरा नदी, जैसे ये नदी जैसे छोटी सी ऐसी है। उस समय थी होगी नदी जर्दन, और उस विश्वास के साथ वो वहाँ गया। और पहले तो वो मान नहीं रहा था, जैसे कि हम कहानी जानते हैं कि उसके उनके सेवकों ने बोला कि अगर भविष्यवक्ता ने अगर कोई बड़ी बात कहता तो क्या आप नहीं मानते, तो करना पड़ता, तो इतनी सी बात में करने में क्या तकलीफ है। और वो जाके वहाँ पे डुबकी लगाया, और हम जानते हैं कि वो तरोताजा, उसका स्किन जो है बच्चों की तरह हो गया। और जब उसका ठीक हो गया, चंगा हो गया, वो खुशी के मारे फूला नहीं समाया, तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहां लौटाया और उसके सम्मुख कहने लगा, सुन सुन क्या कह रहा है, यहां पे सुनिए, भक्त को कह रहा है, उस छोटी बच्ची का दिया, उस छोटी बच्ची का अशर, जिसने उस संदेश उसने दिया, वो कहता है कि सुन, अब मैं जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इसराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। उस छोटी बच्ची के संदेश की वजह से इस सेनापति का जीवन परिवर्तन हो गया, और वो इस बात को स्वीकार किया कि अब मैं जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इसराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं। एक और सुंदर सी कहानी है, यहोशु जब मूसा जब लीड करते क्या, मूसा तो कनान नहीं पहुंच पाया, और उसके आगे यहोशु ने, नून का पुत्र यहोशु ने लीड किया। और जब
कनान घुसते साथ गैर कौम वाले जो यहोवा को नहीं मानने वाले बहुत सारी कनानी यबूसी हित्ती एमोरी और क्या क्या लोग थे, क्योंकि वो देश यहोवा ने उनको दिया था। और वहाँ पे जाके जब यहोशू सारा काम उनको देश वो अपने अपनी जगह में बैठ जाते हैं, इसराइली वहाँ बैठ गए। और तब यहोशू उनको अंतिम उपदेश देता है क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था। वो कहता है इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखे महानंद और उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। किसकी? उस यहोवा की। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज हमारे लिए यही सवाल बार बार उत्पन्न होती है, बार बार हम बाइबल को पढ़ते हैं, बार बार यही चीज आती है। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज सुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। यहोशू बोला, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। और उसके बाद यहोशू बूढ़ा हो गया और उसने अपने पैर समेट लिए। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराए देवताओं की सेवा करोगे तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। हमें बार बार ये अंगीकार करने की जरूरत है कि हम किसकी सेवा करेंगे। हम यहोवा ही की सेवा करेंगे, हम परमेश्वर के झंडा को ऊंचा रखेंगे, हम परमेश्वर का दिया नहीं बुझने देंगे, क्योंकि हम जगत की ज्योति हैं। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे, आमीन। आज के सुंदर वचन के लिए मिस्टर एम लकड़ा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें अगर परमेश्वर के साथ चलना है तो हमें उन्हें चुनना है, और उनके साथ हम चलेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर का झंडा को झुकने नहीं देंगे। आइए हम आज की सभा को अंत करने के लिए गीत गाएंगे 58, सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो। 58 खोलना होगा तो सभा खड़ी हो जाए। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल न छोड़ो, उसकी सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान, निश्चिंत को उसकी नींद से जगाता, उसमें है जीवन अनंत का बयान। बाइबल ना छोड़ो
बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला शिक्षक भी है। बाइबल न छोड़ो अधान का निधान है, जिसमें है वर्णिक पापों से उधार। हे मेरे मान उसको अपना तो कर ले, उसके सब गुण है आता और अपार। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला हो शिक्षक भी है। भक्तों के लिए है बाइबल एक दीपक, उसे जवान पाप से रोक जाते हैं। जीवन जब भ्रष्ट हुआ तब देती आशा, धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के सब्त दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो हमें उत्साहित करता है, हमें ताकत देता है, हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ्य देता है। प्रभु जी होने दे हम तुझ में बने रहें कि आने वाले संकट से हम बचे रहें, और उस आशीष को जो तू हमें देना चाहता है अधिकार से प्राप्त करें कि हमारी जीवन यात्रा सफल हो, आशीषमय हो, और इस जीवन में नहीं पर जब तू आएगा प्रभु जी हम उस अनंत जीवन में, उस मिराज में हम भागी हो सकें, ऐसी अनुग्रह उतार कर। और जब तक इस दुनिया में जीते हैं हम सबको संभाल रख मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन।